सोजेहि सुमिरते सिद्धि होई, अगण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अमु कहो ही बाचाले, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सदयाले, द्रवउ सकल कली मल दहन। अब बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, अ महामोह जासु बचन रवि करनी कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कलयुग इतना कुचाल प्रकट कर दिया है जनमानस में कि उसको याद भी अगर करेंगे तो मन विचलित हो जाएगा। ठीक ने? और कलयुग की कुछ ऐसी विशेषता है कि जो कुचाल करता है उसको सब बहुत बड़ा मानते ने। जैसे प्रमाण के लिए आप लोग समझ गए कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और वैराग्य के बिना वह ज्ञान, जब बताया गया कि बाल्टी अगर चूना रही तो दूध कितनों दुहाए सब नीचे गिर जाई, तो अगर निष्काम भाव न रही तो जितना ज्ञान जाता वो रूप न सकी। तो कलयुग के जो पाखंडी लोग जो धर्म के नाम पर रास्ता निकाले हैं सब, तो लोग बैराग को खा गए। नहीं, बैराग को खा गए माने बिनु गुरु होई कि ज्ञान, अज्ञान की होई विराग बिनु, यह लाइन खा गए। वो लोग वहां से कपट डाले। ठीक है, ये पकड़े में कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद थोड़ा सा समझ ले, एक थे तेली रहा जरे होके सब बापू बापू कहे। तो ये बात सही है कि अहिंसा परमो धर्म, बात ही वैसे ही है जैसे बिनु गुरु होई कि ज्ञान, अज्ञान की होई विराग बिनु। ऊ खा गयन गुरु तो तेलिया रहा कोनो बेसिया का लड़का, सब ओके बापू बापू कहले जने। तो जो असली व्यवस्था है कि अहिंसा परमो धर्म है, अधर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा तो मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। वह खा गया।
इतना तो बोल दिया कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तदैव च खा गया, तो वह वहां से घुसा लिया अपना, ठीक ना। तो उसके लिए परशुराम जी थे। जो भी क्षत्रिय आदर्श वेद नीति का पालन नहीं करता था उसको उड़ा देते थे, ठीक ना। देखे राम खिलावन भाई समझे बदे खाली बात बात कि ये सब अपन नाम करे के चक्कर में जो मुख्य धारा रहा उसे जनमानस के उलझा दे, ठीक ना। धर्म की रक्षा के लिए जैसे अगर कहीं ऐसे समाज में निकला कोई गलत करेबा उके निकाल दे ले तो शुद्धता बना रही और ओकर लगल सहयोग देवे तो वह चीज ना बढ़ जाई, ठीक ना। ये समझ आ जाए, आप ही नहीं पूरा विश्व जाने, और इनकी एक भी बाड़ी गलत हो तो सिद्ध करके गर्दन उड़ा दिया जाए। एक बहुत कामन भजन हुआ करता था, उसको शुद्ध रूप से आप लोग नहीं जानते, लेकिन अब सब मान लिए उसको कि वो बहुत बड़ा जो है अहिंसा का पुजारी है और सब मिलावट कर दिया। वह भजन सुने, रघुपति राघव राजा राम पतित पावने सीता राम असुंदर विग्रह मेघ श्याम अगंगा तुलसी शालिग्राम अभद्र गिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम जानकी रमण सीताराम जय जय राघव राजा राम। इसको भी उस राक्षस ने बदल दिया। जने एक तो राक्षस का पुत्र था द्रोणाचार्य, तो उसने मुस्लिम वर्ड खोला तो एक तो अल्लाह कहां से लेकर आ गया, तो इसने उसको भी इसी में डाल दिया। इसकी रचना किए थे लक्ष्मणाचार्य। ये जो सीताराम जी की स्तुति है इसकी रचना कौन किए थे? लक्ष्मणा। तो यह है शुद्ध श्री राम जी का नमन करने का भजन, इसमें भी मिलावट कर दिया ने। अब उसी के सब निकल गए कि पुछले, उसी के पुछले निकले हैं ने। तो देखिए ऐसे ही सब कपट पड़ गया। सिर्फ जानकारी के लिए भड़काने की बात नहीं है, इनकी बाड़ी गलत कटे तो इनका गर्दन काटा जा नहीं, ऐसे राक्षसों को तुरंत रेस्टिकेट करके बिल्कुल कलयुग के भाड़े का नौकर सिद्ध करके इनको तुरंत हर जगह से निकाल के फेंक दिया जाए, ठीक ना। तो इसमें कोई परशुराम जी जैसा चाहिए लल्लन भाई से कहे, लेकिन वो बोले कि अब कलयुग है, इसमें कुछ करेंगे तो जो है हलचल हो जाएगा। हलचल हो क्या? जो अपने शरीर का मोह कर सकता है वो भगवान का सेवा ये नहीं भाई, ठीक ना। देखे समझो लिखो जानो हाँ करबे जेके जो सिखा पढ़ा जाता सब वह लेके, ये सब कुछ नहीं, ये सब मात्र कलयुग के भाड़े के नौकर ऐसे ही उद्दा बुद्धा अबीरा कबीरा जितना भी मोहम्मद मुहम्मद इब्राहिम शिब्राहिम जितना ये सब ना कलयुग के भाड़े के नौकर हैं, ये सब कोई भगवान का जो है सेवक नहीं है। नहीं वो सब सुनो, क्या करेंगे, स्थिति क्या है कि अहम भाव को लोग शुद्ध नहीं कर पाते। शिव जी का जो अपने आप को समझे कि हम अंश हैं, यह बाड़ी मात्र उनके लिए, बाकी समझने के लिए, ये कोई भड़काने की बात नहीं है। आप किसी को काट करके उसमें अपना मत लगा देंगे, मत में अहंकार भरा है तो फिर जो है कि
अशांति तो उत्पन्न। ठीक, तो देखें भरत जी श्री राम जी को सबसे ज्यादा प्यारे। ठीक, भरत जी का एक भी अंश जो ग्रहण करेगा, ठीक ना, भरत जी का एक भी जो अंश ग्रहण करेगा अवश्य उसे भगवान के चरणों में प्रेम होगा। प्रभु श्री राम जी साफ साफ कह देते हैं कि गुरु जी सब आप ही के हाथ में तो है, जिसको जैसा आज्ञा देंगे वैसा वो करेगा, और सबसे पहले मुझे आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। ठीक ना, तो गुरु के हिसाब से सब लोग चला करते थे और आज वो व्यवस्था रही नहीं। ये ने तो कल हम लोग दोहा नंबर 259 पर रुके थे और दोहा रहा कि तब मुनि बोले भरत सन असब संकोचुत जीता कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहू हृदय कै बात। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि हे तात संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र और अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। ठीक ना, भाई है तो अंदर में थोड़ा भी कपट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आए हैं श्री राम जी को लेके जाना है ना, भरत जी की बुद्धि श्री राम भक्ति के बस में है। यानी जब बुद्धि किसी के बस में नहीं रहेगी तभी वह पवित्र होगी। ठीक ना, नहीं तो नीति तो यही है कि जिसको जो आदेश मिले उसे वही कार्य करना चाहिए। तो सुनी मुनि बचन राम रुख पाई गुरु साहिब अनुकूल अघाई अलखी अपने सिरे सबु छरु भारू कहीं न सकही कछु करही बिचारू। अब देखिए मुनि की बाड़ी सुनकर और श्री राम जी का रुख पाकर गुरु और स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जाने। गुरु जी भी कह रहे हैं केदम निसंकोच, यानी और आप लोग जब पहुंचना थे यही इतना से बात शुरू करें कि एकदम कोनो लजाए के डरे की जरूरत नहीं बा, खुल के बात करो। ठीक ना, एक देखा निचोड़ा से बात होता तो सही लगा था। तो सारा बोझ नहीं अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते और वो लगे विचार कर। मैं चाहे कि सब समझौता सब समझौता है कि धर्म का धुरंधर है
मर्यादा के रक्षक हैं, शील स्नेह के बस में हैं, ये ने जब ये बात समझ करके कुछो कहे इबे तो जरूर कई बार ऊपर नहीं लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब गुरुओ जी कथन कहो और रामो जी का रुख बा तब तक कहे के बढ़वे करी यह सब सुन के ऐसे ही चला वाला तनको भाव नहीं रह आके खटखटाई और जब पैसा थोड़ गया कोनो श्रद्धा नहीं बा निकले तो गरिया के और ढेर सारा जो है शराब दे के चला दी है तो भाव हुआ चाहिए ने? नहीं तो पुलकी शरीर स्वभा भय ठाड़े नीरज नयन नेह जल बाढ़े कहब मोर मुनि नाथ निबाहा एही ते अधिक कहो मैं काहा। देखा ओ भरत जी के बाड़ी अब कैसे निकला था, जेकरे चरण का एक धूल अगर बन गई दे तो भगवान के भक्ति उनके चरण का एक है धूल, ठीक ना। अब अजमावत जा अपने अंदर अंदर पूरा धरती के लोग की में से कोई एक है धूल के पद लेवे वाला लेवे के लायक बाकी नहीं। सरजू भाई कल्याण हो भाई कल्याण। देखो भरत जी के चरण के एक है धूल जने बने के लायक वही बाहर की नहीं। ई बहुत ऊपर का पदवा एक कोई तनको छोटा न समझे। तो वह भरत जी बिल्कुल पुलकित हो चुके हैं, रोवा एकदम भर भराएगा वह है और सभा में खड़े हो गए, सभा में खड़े हो गए। जब भी कोनो बात पूछे के रहे तो नीति तो यह बाकी खड़ा हो जाए कि चाहे अगर मर्यादा का पालन करता है तो ठीक ना, यह सब सीखो जा। और कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई, माने बिल्कुल रोने लगे मतलब कि आंसू बहने लगे और बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, माने जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मुनिनाथ तो भाई बताई दे हैं कि भरत के जैसा इच्छा हो नहीं सुनो समझो, फिर ओके जनो साधु मत लोक मत राजनीति मत और वेद मत सबके निचोड़ करके वैसे ही कर। तो कहे जो कुछ मैं कहना चाहता था वो मुनिनाथ कह दिए हैं, अब मैं क्या। तो मैं जानू निजे नाथ सुभाऊ अपराधी हूँ पर कोहन काऊ, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ,
वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं। ठीक ने? लेकिन कैसे अपराधी पर? जो उनके शरण में आ जाए। ठीक ने? वो ऐसे अपराधी पर वे क्रोध नहीं करते। और जे अपने से अपन रचता जे रचत रचत जब तब के अंतिम तक मौका दे लें, नहीं लंका में पहुंच गया तब अंगद जी के दूध बना के भेजे, मौका तो अंतिम तक देते हैं, लेकिन जब कोई न मानी चले तो हर सेवक को अपने स्वामी के स्वभाव को जानना चाहिए और जैसा उनका स्वभाव है उसी के अनुसार सेवा करना चाहिए। ठीक ना? कहते हैं कि मो पर कृपा स्नेहु बिसेखी खेलत खूनी सन कबहु देखी। मुझ पर तो वे विशेष कृपा और स्नेह करते, यानी तो भगवान अपने भक्तों पर ही विशेष कृपा और स्नेह, अहंकारियों से उनका कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक ने? कह रहे हैं कि मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। ठीक ने? खेल में भी कभी अप्रसन्नता यानी रोष, हमारे ऊपर कभी क्रोध नहीं किए। शिशुपन ते परी हरे उन संगु अकबहुन कीन है मोर मन भंगु। अभी नहीं कि खाली सेवक अपन जो है कि उनके हिसाब से सेवकाई करे, स्वामी का भी बहुत बड़ा कर्तव्य होला, सेवक से बढ़ के स्वामी का कर्तव्य होला। जने अगर सेवक के अगर मन में तनको आयल कि नहीं ठीक नहीं बाय तो उस सेवकाई ना कर पाई ना, यानी देखा स्वामी के क्या कहते हैं कि बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़े, वे भी मेरे मन को कभी। तो ये स्वामी का कर्तव्य होता है कि मन के प्रतिकूल कोई काम, मन का अर्थ है पवित्र मन, जहां पर त्रुटि होगा वहां तो स्वामी समझाएगा ही, लेकिन पवित्र भाव में कोई विघ्न न हो। ठीक ना? ये स्वामी का चरित्र होता है। ठीक ना? तो मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही हारे हूं खेल जीता वही मोही। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति अनुभव किया है, मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। यानी ये सब जानकारी बाद में भा, यानी लेकिन जब ये शरीर में रविशंकर के बाद प्रकाश जी आए, तमाम लोग संकट उत्पन्न करें कि कैसे भुवनेश्वरी हार जाए,
लेकिन कभी हारे नहीं। आप समझ ले आज दोनों जीव के मर्यादा के पालन यही शरीर से नहीं, माने इनका जौन भी आचरण बा ऐसे जितना भी शरीर संसार में जुड़ा बा हर कोई के प्रेरणा ही मिल सकला, कोई के सर कभी नीचे नहीं छू सका। देखो कितना बड़ा जिम्मेदारी बा, और ऐसे में तो पूरा विश्व पर वो स्थिति बा, कहे कि विश्वास पूरे विश्व के मिल गया बने भरत जी के चरित्र के अलावा दूसर चरित्र से कुछ नहीं हो सका। अब ही ये अवस्था में देखा सभी के प्रेरणा मिली ने, लेकिन ये अवस्था के क्या कल्पना करी तो महु स्नेह सकोच बसे सनमुख कही न बैन दर्शन त्रिपित नया जू लगी प्रेम पिया से नैन। भरत जी कह रहे हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला, ठीक ना? प्रेम और संकोच अगर सेवक के अंदर नहीं बा, प्रेम और स्वामी के प्रति, तो मुंह खोल दई। जैसे राम जी भाई कहले नहीं गुरु हम साफ साफ को दीला, सही स्वामी और सेवक के बीच में कोनो बात भी अगर रहे ईशन तो बड़ा भाव से नीचे मुड़ी करके जे स्वामी के रूप में जे भी बा भैया बायन या गुरु बायन या तो पति देव बायन जे भी स्वामी की जगह बा, तो वहाँ बड़े भाव से कि स्वामी स्वामी जी यहाँ मन आके रुका बा, एक निराकरण हो जाए तो बड़ा अच्छा बा, इतना कह सके का अधिकार। हाँ। लेकिन वो सीना तान के वो नियम जो सीधे सीधे खड़ा छ ना, वो सच्चे सेवक के संस्कार नियम होला, ठीक ना? ठीक ना गणेश जी? हाँ। जब वो कुर करस तो ध्यान गल है ने, पहले ही से खोल के न रखिए। ऐसा कौनो कार्य जौने से थोड़ा सा चित्त विचलित हो वो न करे के, ये सब बहुत बारीकी देखा बड़ा अलग अलग बात, ठीक? दे दे खोल दे, अब क्या करवे? ठीक। तो विधि न सके ऊ सही मोर दुलारा अनीचे बीचु जननी मिस पारा, परंतु विधाता मेरा दुलार नहीं सह सके। ये जो प्रेम रहा दुलार, हे विधाता मेरा दुलार नहीं सह सके। उसने विधाता को कह रहे उसने या उन्होंने नीच बैठा भाई नो इतना कह के यो नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया।
किन्होंने? विधाता ने। ये ने ठीक कहे कि सेवक और स्वामी के भाव में अंतर न हो चाहिए। ये सब आदर्श नीति हो मनई के जीवन के। आज लोग नहीं कर पाता है ना, उके अपन कमजोरी समझो, ठीक ना। एक अर्थ नहीं बाकी आदर्श नीति खत्म हो जाए। और कह रहे हैं भरत जी कि यह कहत मोही आजुन शोभा अपनी समुझी साधु सूची को भाव। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। अपनी समझ से बड़ा रहस्य बा, कौन साधु और पवित्र है? कोई अपने से समझ के कहे कि हम एकदम पवित्र ही साधु है, ऐसे हो सकला? जिसको दूसरे लोग साधु और पवित्र माने वही साधु है। कोई किसी को अधिकार नहीं है कि अपने से अपने नाम के आगे स्वामी लिख दे है या साधु कहे, ये अधिकार नहीं है, ठीक ना? ठीक ना? यह बात एकदम बैठा ले कि साधु और पवित्रता ये दोनों का प्रमाण जनता ही देती है। ये अपने से कहने का ठीक ने? ये तो बार बार कहते हैं कि भैया तुझे कंफ्यूजन में मत रहो, दूसरे संगी है ये, कोनो बाबा बीबी नहीं, संगी है ने? नहीं सरजू भा, कह भाई तू लड़का भाई हम बुढ़वा भाई, तुझे क्या संगी करी बना ले यार, एको जने संगी बनाए नहीं यार, सही जने सब लालच से जुड़ा और जे जुड़ा सब जो हो लालच ममता के कारण जो हो नहीं आखिर कोई तो बना हो ने, कोई मन से ही तो बना ले, ठीक ने? मन से बनावा का अर्थ का बा कि जवन इनका चरित्र बा जवन भाव बा वही के बैठा ले, राग द्वेष मोह ममता उसे दूर होबा तब संगी बनबे, ठीक ने? जे निष्काम भाव स्थिर कर ले वो परीक्षा पास कर गल, वो संगी बना के नहीं अधिकारी नहीं खाली परीक्षा पास करे हो, फिर पढ़ाई करी परीक्षा पास करी जने सब ने। हाँ नाम लिखावा का अधिकारी हो गया। आप जब इंटर में पढ़ रहे तो उसमें टेस्ट परीक्षा होता है कि नहीं? उसे ही हो जाए रवि गुरु के देवे की पढ़ा रहा है, ठीक। तो जब सेवक भाव अहम गल करके सेवक भाव में अले स्थिर तब खाली टेस्ट परीक्षा पास कर ले फिर चढ़ो, ठीक ने? और चढ़क नहीं फिर कुल जिम्मेदारी इनकर, वो आपके कुछ करहू की जरूरत बस वही के स्थिर कर ले, खाली प्रकार के गड़ा भर दे बाकी इन गोला काका करे के बाद नहीं आओ तो समझे। तब यह निश्चित हो गया कि कोई अपने से साधु और पवित्र नहीं हुआ जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने
वही साधु, ठीक ना। तो मातु मंदी मैं साधु सुचाली उरे सयानत कोटि कुचाली। माता नीच है, माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ठीक ना। ये इतना कह के रोकवा तो बात कट जाएगी, इतना कह के अगर रोके से बात। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना, ऐसा हृदय में करोड़ों दुराचारों के समान है। ऐसा तो नहीं कहें कि अब सबके तो यह ना समझ में आई कि बास की जगह बासे हुई, किला किसे हुई, तो ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। यही ने यही से माता पिता के पवित्र होना परम जरूरी, ये ने कोदो जाना ले धान की तरह होला। हाँ तो फरई की कोदव बाली सुशाली अमुकता प्रसव की संबुक काली। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? फल पाई का गढ़ई में का करियवा घोंगा मोती उत्पन्न कर सकती है ने? अब बताओ कैसे ही के ऊपर का बीतत हो इसने में, है ने? सब कुल ने ये माया जगत में सब देखी है, बच्ची पूत भले कपूत हो जाए लेकिन माता कुमाता ही इन्होंने झूठ कह ली। अब जे ये बात के सुन ले वो समझ जाए कि नहीं माता कुमाता हो ली, ये ने? देखा ये करो भड़ास नहीं निकालत है, ये उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि जितना भी पवित्र रविशंकर पवित्र भाव से चरण स्पर्श करके गंगा का स्थान दिए हो पार्वती का स्थान दिए हो, लेकिन समाज कभी पवित्र कहेगा? लेकिन इसी चरित्र के द्वारा पवित्र ने कि आज जब वही शरीर ऐसा है तो क्या पहले वो नीच था? ने समझे कहे कि जे भाव के स्थिर करके चली ओकर मार्ग बहुत अलग बा, ऊ संसार के मार्ग से कोई तुलना ओकर नहीं हो सकता। तो सपने हूँ दो सके ले सुन काहू मोर अभाग दधिया गाहू अब बिनु समुझे निजे अघ परिपाकू जारी उजाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है, स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही यथा समुंदर, सारी बात अपने ऊपर भरत जी ले रहे और यहाँ कुल गलतियों करिए तब्बो जो ना कि देखा मैं मिलावट करिए, हम क्या करे, हम क्या करे,
नहीं हाँ अपने ऊपर कोई नहीं लेते तो जौन है शरीर के साथ भैया चरित्र बा ठीक न अब वो समझ ले कुल रवि शंकर के दोस्त बा ये ने लेकिन अब जौन करोता है दिखावा धरती पर अगर एक जने हो और जो दोषी रही फिर वो ये अवस्था में ना आ पाई ने देखा प्रभु तो यह परीक्षा ले ले कि अगर कोनो भी चीज धारण करबे तो उन पूरा निचोड़ से देख लिए कि सत्यता रही तब तो के ऊपर उठाइए मन से शरीर से तो नहीं और सब झूठा मनावा ले कि हम मोर जाई बॉस हम मोर जाई बॉस अरे हम मोर का जाई बॉस मन के मार दे तब शरीर छोड़ा ऐसा छोड़ा जैसे कि गर्दन में कच्चा धागा में माला बांध के हाथी के पहना दे और हवा चले और वो माला टूट के हाथी की पता लगी शरीर छोड़ा तो वो अवस्था में प्रभु में दम लीन हो जाए कोनो आवश्यकता इतना समझाइए तब वो आकर के कुल बतिया शुरू कर दे ले 35 साल महाराज जी पहले तो ही जब 35 साल पीछे बहे तो यह जनिया कि तू 35 साल पीछे है ठीक ना सज्जू भाई कहते कि गुरु समझ में आओ कि हड़कावा ले कि सिखाओ ठीक ना प्रभु के अलावा कोनो बात नहीं ठीक ना उचित समय आई तो पूछ ले है ठीक ना ये बात नहीं बा कि इन कोनो बात बतावे से पीछे हट गए जौन प्रभु का प्रेरणा बा होता हाँ भक्तन के जैसे कल्याण हुई वह न करी है यह रखो क्या कहता है कि गंगा महारानी के तीनों स्थान देवान हरिद्वार त्यागराज और गंगा सागर अच्छा यही हमारे खाना का प्रभु किया हो कई स्थान व माता के बस्ती में जय श्री राम बैठो बैठो बहुत बढ़िया बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछे वायन सरजू भाई समझने कहलन कि गंगा माई के तीन से स्थान बा हरिद्वार प्रयाग और गंगा एक को नहीं बा जने चाहे हरिद्वार कहो चाहे प्रयाग कहो और चाहे गंगा सागर कहो वहां जाके खाली नहाए से कुछ हो वाला सही में अगर पूछते भाई भवा तो जान ले कि राम भगति सुर राम भगति जहां सुर सरी धारा असर सई ब्रह्म विचार प्रचारा श्री राम जी की भक्ति ही वास्तव में गंगा की धारा है जिसके हृदय में यह धारा प्रवाहित न हो वह चाहे हरिद्वार में नहाए चाहे प्रयाग के कुंभ में डूब के मर जाए चाहे जो है कि गंगा सागर में चला जाए किसी की मुक्ति होने वाली और यह बाड़ी कर जाए तो इनका गर्दन उड़ा दिया जाए सिर्फ प्रपंची लोग मन को शुद्ध नहीं करते और स्थान के नाम पर मुक्ति पाना चाहते हैं यह ने कोई भी बात हो कभी भी आप लोग क्योंकि यह पूरा जो है एक एक श्वास मात्र भगवान शिव जी के लिए है मन पवित्र होना चाहिए सबसे पहले अहम का भाव न हो ठीक ना हाँ नहीं तो क्या
तमाम मछलियां जो है हरिद्वार में भी गंगा के नीचे बह रही है, प्रयाग में भी बह रही है और गंगा सागर में भी बह रही, क्या वो मुक्ति हो जा रहा है उनका? उनको लोग काट के खा रहे हैं। तो जिसका मन पवित्र है उसके लिए तो उचित है, ठीक ना, महिमा तो है, वेदों ने भी बताया है महिमा तो है, बशर्ते उनके महिमा को जानकर जो मन पवित्र करेगा, जब भगवान की भक्ति अंदर बहेगी तब वहां स्नान करने से उसका लाभ। मछली के अंदर भगवान की भक्ति नहीं बहती तो उसको लाभ नहीं होता, देखते अंदर अंदर होके कहा तो लाभ हुई, आदमी है तो ऐसा हो जाए, ठीक ने समझ। वो मैं गोके कौन दोस्त बाबू मछली बात है, तो मुख्य बात है कि भगवान के प्रति सच्चा भाव होना चाहिए कि हे राम जी आप ही सत्य है, यह शरीर आपका सेवक है, मैं अलग से कुछ नहीं, यह भाव पक्का रहेगा तब जो है सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी, ठीक ने, कहीं दिक्कत बात समझे में? हमेशा याद रखें कि राम भगति जहां सुरसरी धारा असरसई ब्रह्म है विचार प्रचारा। वास्तव में ब्रह्म विचार का प्रचार ही सरस्वती है। भगवान की भक्ति गंगा जी और ब्रह्म का विचार ही सरस्वती जी। अब विधि निषेध मय कलिमल हरनी, क्या करना चाहिए क्या, विधि और निषेध इसका जो प्रचार होता है वही है यमुना जी, वही है। हाँ, तो जब ब्रह्म विचार का भाव हो, भगवान की भक्ति हो, ठीक ना, निष्काम सेवा निष्काम भजन हो, क्या करना है क्या नहीं करना है वह कार्य बिल्कुल नहीं करना है जिसको वेद आज्ञा नहीं दिए हैं, जो वेद के द्वारा निर्धारित कर्म है वर्ण धर्म के अनुसार वही कर्म करना मात्र धर्म है, ठीक ने। जिसके अंदर यह भाव हो उसके लिए सफलता है, और जिसके अंदर यह भाव नहीं है वो सब खाली पिकनिक मनाने जाते हैं। वो मछली वाला समझ में आता नहीं, ठीक ठीक ने, ठीक। अब देखो यहाँ देखो, भरत जी कह रहे हैं कि मेरा अभाग्य ही अथा समुंदर, अब बिनु समुझे निजे अघ परिपाकु जारी जाय जननी कही काकु। कह रहे हैं भरत जी कि मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। वैष्णव भाई सुनो ताई, ठीक ने, तो ये भी पाप है, किसी का दोष, ये सब मेरा अभाग्य है जने। अब देखे मैं मजे के बात कहवा, चित के स्थिर रखो, आवाज सुन ले तो चित गल ने, जो मायावी संसार बा ओमे इनकर स्थिति देख के सबके दुख ना हो थोई। जे अपन बढ़िया गाड़ी में एयर कंडीशन में बा है ओके तो दुख हो थोई कि देखे बेचारू कितना बढ़िया रहे, इतना सेवा करत रहे, लेकिन कभी जो है
कौनो ओकरे बदले में कुछो चाहेन है ने, तो सबके लगा था कि बहुत बेकार स्थिति बहन, धूप में तपत आयन, बर्फ पे बहन पानी बरसता ने, मजा तो लगा था, लेकिन इनमें आनंद कितना बा एकर कल्पना तक कोई कर पाई। इतना समझ लीजिए कि श्री राम जी की सेवा में शरीर भी छूट जाए तो इसको बड़े खुशी के साथ सेवक करते, देवताओं का कल्याण हो, देवताओं का कामदेव को पता है कि शंकर जी के से विरोध करने पर मेरा कल्याण ठीक नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। ये तो आगे की बात हो गई। वो ये जानते हैं कि भगवान के कार्य में जो अपना शरीर त्याग देता है उसके गुणगान को संत लोग युगो युगो तक गाते ठीक ने, तो देखो आज भी उनका चर्चा होता ने, तो कुछ नहीं प्रभु के कार्य में जो सत्य है उससे क्यों पीछे हटना है, सत्य से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है ठीक ने, क्योंकि ये सब जो जीव चरित्र कर रहे हैं ये सब देवता और राक्षसों का खिलवाड़ है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये सब जो उद्धा बुद्धा के करे ये सब इनके बसीभूत रहे हैं, नहीं तो कोई परमात्मा में भेद पैदा करता? जैसे कुछ सिद्धियां होती है जने, उनको अगर आप लेके जाएंगे मांस का लोथड़ा तो उसको वो बना देगा सेव, मांस को बना देगा सेव, अब वो सिद्धि का कमाल है जने, अब सब समझ गया कि मांस खाने से कुछ होता नहीं, ये सिद्ध पुरुष है। है कुछ जो नहीं रक्षसवा बहन और घड़वे फगौड़े सब कलयुग में वो नहीं ना के सिद्ध मानता है ने, कौनो एको का हिम्मत नहीं भाई यहाँ तक पहुंच जा, नहीं उधरिया रहे तक कोई कहे कि चलो वहाँ बाबा जी बहन के नहीं वहाँ ना जाओ, पहले ही से सुन लेन कि वैज्ञानिक बाबा बहन और यहाँ देख रहे हैं कहाँ बाबा बीबी बहन ये ने, जहाँ बाबा बीबी कोई बात कहला कि बाबा जी बहन कहला सुरती बना हुआ नहीं, कहे कि बाबा जी के चक्कर नहीं बाबा, मन कहीं फंसा था। तो हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिए रामू, लागत मोहिनी के परिणामू। भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, यानी सब ओर खोज कर, ऐसे ही समझ ले कि राम जी के आज्ञा पर शिव जी ब्रह्मा जी विष्णु जी अमृत बीज सब उनके आज्ञा के सिर पर रख के काम कर रहा बहन, और अलग से कुछ करत आए तो उनका विरोध भान है ठीक ने, लेकिन यह बात कि वो प्रेम के बस में होके करे बहन, सही तो एक अकलंकित चंद्रमा बान है, कहे कि अगर ना भल हो भगवान यू के तो माना लेन याने? अगर प्रेम के बस कुछ कहता है, देखा विरोध कोई के नहीं बा, लेकिन फिर भी
जब ये बात समझाइब जरूरी बा आज के सब जितना विरा कबीरा उद्धा बुद्धा सुद्धा रहे सब भगवान में विरोध पैदा, तो इससे देखिए कितना बड़ा कल्याण होगा। लोग इनको त्यागेंगे और परम पिता परमात्मा में ध्यान रखेंगे तब इनकी मुक्ति होगी। ये बात है परम कल्याण की, लेकिन इस बात को समझने की ताकत किसी में हाँ कही है कि बाबा जी हैं तो काहे विरोध करो बहन। हाँ यहाँ ऐसे ही बाबा जन है, हम लूटते हैं तो हम लूटे जन है। डॉक्टर लोग जो देखा ले लिखो लेन वो खाली मेडिकल वाले पढ़ पावा लेन नहीं। हाँ क्या लिखा लेन कि मैंने लूट लिया तुम भी लूटो। मरीज से बेचारा कह ये ही कौन चक्कर बा कि कोई कोई का विरोध नहीं करेगी बा। विरोध करने की बात करते हैं धर्म की रक्षा के लिए, हिंसा करना उससे भी बड़ा श्रेष्ठ धर्म। सबके तो लोभी कपटी बना दे रहे सब जने बतावे। 400 साल के अंदर एक भी पुरुष हो जो कि इच्छा रहित उत्पन्न हुआ हो, एक भी नहीं है। अगर कोई अगर हो प्रमाण लाए इनका गर्दन उड़ा दे, सबके सब इच्छा के भाड़े के नौकर रहे हैं। कहते हैं बाबा जी है साई है, साई है कबीरा है, सब नौटंकी आरम हंस परम हंस मांस मछली खाने वाला सुअर कुछ नहीं है, सब लगे शिक्षा देने मांस खाने से कुछ नहीं होता। अरे सुअर के नीचे के लोग हो तुम लोग, भगवान शंकर जी के मर्यादा को भंग करते वाले वेश्याओं के भड़ुए चले हो जो है, शंकर जी की मर्यादा को तोड़ने वालों की खैर नहीं है। अपने आप को समझ ले कि उनका काल आ गया है धरती पर, जल्दी से अपने गलती को स्वीकारे, नहीं तो जहां से भी है जितना भी रिद्धि सिद्धि लेकर के आंत्र तंत्र मंत्र जितना भी है सबका प्रहार करके देख ले। यानी बस एक अंगद जी जब पैदा हो जाए जिस दिन यारे वही दिन धरती पर पैर जम जाए पलाऊ कर देवल जा, नहीं पलाऊ करके पानी भर दिया जाने कुल तोड़िए तो इनमें धोस गए नहीं ठीक। ये सबके कल्याण के लिए बात हो रही भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं है दुकान चलाए भाई भक्तन का कुल खून पिया था सजने कब संतोष हुई भाई, उसे अच्छा तो उस शराबी बा कम से कम दिन भर खटा था अपने कमाई के पी के भले से वो अपने तक बा, ये तो श्रद्धा विश्वास के कतलबा ने ठीक। तो भरत जी अपने हृदय में सब और खोजकर हार गए, और देखा हार गन के ऐसे कि प्रभु के आज्ञा के तो उल्लंघन भेल बा जने, यद्यपि हैं प्रभु कृपालु उन सब माफ करा लेन, जितना गलती भी करें इसे अनुराग भुवनेश्वरी आके गलती भी करें तब भी देखा सब माने बाने भाई। लेकिन अब गलती अब उस समय शिव जी के अंडर में बात, अगर अब वो मर्यादा तोड़ी है तो उन्हें फल तो भोगई के पड़ी, अब क्या करबे। हाँ नहीं बिल्कुल सत्य पे रहो, सत्य के कहा के छुआ वाला बा ठीक। कह रहे हैं कि मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। भरत जी ऐसा कह रहे हैं कि मेरे भलाई का कोई साधन नहीं सूझता, एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, एक ही प्रकार निश्चय ही मेरा भला है, और वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ है।
गुरु महाराज सर्व और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता ने। इसी से देखिए, अगर गुरु पक्का हो, स्वामी सच्चा हो, तब तो भला ही भला होगा। इसके बाद भी अगर कोई चिंता करे न तो फिर दुर्भाग्य है न। अब कितना रोल है ना, देखो ये अवस्था में रहते हुए भी करही के बने। कहे कि जो भी शरीर से जुड़ा है धरती पर किसी भी रूप में, किसी को ऊपर कलंक नहीं रहने दिया जाएगा, ठीक न। जो लोग आज्ञा मानकर जैसा जैसा दिया गया है उपाय उसी पर जब चले, चले का मतलब क्या बा, सीताराम जी के प्रेम करो, सीताराम जी के प्रेम करे का अर्थ क्या बा, शांति सुमति पवित्रता मोह माया इच्छा रहित, छह के बाद जितने सेवा हो करिए, कहीं दिक्कत बा। ये बात बैठो था कि नहीं अंदर, सब ऐसे चले में गुरु बड़ा कठिन आएगा। तो साधु सभा गुरु प्रभु निकट, अकहूं सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव कहता, यह प्रेम है या प्रपंच, प्रपंच माने छल कपट, जने झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते। अब देखो बड़ा मस्त बा, बैर और प्रेम कितनों बचा के रखे, लेकिन ये छुपाए से छुपे वाला नहीं बा। ने तू सबे भले से न कहे, लेकिन जब कुल नाम लिया ला कितना भाव आवाला कि देखे कितना सबके प्रेम करा ले। नहीं ये अवस्था में भी यह न, तो ये सम्मान कभी अगर कोई सम्मान न कर सके तो उसे बड़ा नीच जीव के रही ये ने। और ये जान ले कि ये साधुओं की सभा है, ये कोनो प्रवचन थोड़ो बा, सब लोग सज्जन बन जब सब एक बा, देवता कही चुका बन, तो इनमें झूठ बोले के कहीं अधिकार, अगर झूठ अगर कुछ बोला था तो ये शंकर जी का विरोध हो जाए, और शिव विरोधी के कहा कल्याण बा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहिना। जने तू कुल रामायण पढ़े या कुल गलत पढ़े है बता देता ही, जब करो चौपाई बोला ना तो हमें सही शब्द ठीक हो भाव जितना भाई अब संभाल ले, ठीक न। हाँ ऐसे अगर कोई की कहा तो चोट आई ना, इतना मेहनत की ना महाराज, हम भगवान का भगत समझे ना, तू कहता झूठ वो रिकॉर्ड होता है भगवान ही का करता है, ठीक ने। तो चिंता मत कर, भगवान तो मरा मरा कहे तभी खुश हो जा ले, उन्हें भावा चाहिए
भाव बस भगवान ते में आपके कोनो गलती। सच्चे स्वामी का एक पहचान होला कि पहले वो तपावलेन जने और उकरे बाद में ठंडा करके उन्हें सही सम्मान देते हुए रास्ते पर, यही सच्चे स्वामी का पहचान। कहे कि जे अपने बुद्धि सेवक बा लेकिन वो अपने बुद्धि रगड़ करा था तो के त्रास भी देवब जरूरी बा जने। लेकिन देखे यहाँ कोई अपने लड़का के जन हो कहे कि जाए दे एक दो दिन भोजन मत दे जने, लेकिन माई बा कपी ने जब देखी कि थोड़ा इधर उधर गया तो लेके बचवा हम हर कोई अगर साथ दे तो कहीं दिक्कत नहीं बा। अब तपे ना दे तो बेटा तपे कोई कैसे पकी। तो यह लोग सोचते हैं कि कितना तपस्या कर रही है कितना का, जब तक सतयुग का स्थापना ना हो जाए उतना और कितना। उमें प्रोग्रेस का बा, उमें प्रोग्रेस ही बा कि लक्ष्मण जी तैयार होता है, गणेश जी तैयार होता है, शत्रुघ्न जी तैयार होता है, रामे जी तैयार होता है, नहीं सरजू भाई एकदम बने के एकदम तैयार है बहन। ऐसे ही होला जन है कहे कि यह तो खाली अनुभव कर लेवे के बा कि यदि मनुष्य चाहे दृढ़ भाव हो तो वो बड़े प्रेम से पवित्र भाव के स्थिर रख सकला मनई के अंदर, बिना लोभ के बिना ममता के वो सेवक भाव से निष्काम सेवा कर सकला। और जितना भाव हो सबके सुरक्षित, बस यह तब विश्वास बैठे के बा उनका तब मजा में आनंद बने। कोई भी प्रेम देखले ओके निभाओ, अगर सांसारिक प्रेम जे नहीं निभा सके वो भगवान के साथ कभी निभाए ना पाई जने। और ये समय जो देखबे यहाँ जो संसार में कुल भेष धारण करे बहन क्या बात चौपाई, नारी मुए गृह संपत्ति नासी अमूढ़ मूढ़ाय भय सन्यासी। ठीक न, तो सुनो अब भाई साफ साफ बात बात कि मुनि वशिष्ठ जी सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मांड के अंदर की सारी बात जानते हैं और क्या। अभी स्थिति भा की अब इन ब्रह्मांड के ऊपर से साफ बात देता है। ठीक न, मुनि का बुद्धि हो गया बा जो है अबला नारी नहीं देखा कुल चरित्र करके बचाएं कि नहीं, तो ये खाली भगवान के कृपा से बच सकल भाई। तो देखिए अब क्या करे भरत जी, देखा जा इनके चरण का एक है धूल बनने के लायक है कि नहीं। भरत जी के चरण का एक है धूल जे बन जाई वो भगवान के परम भक्त। ऐसे कहे पर कुछ दिक्कत नहीं होता है देखो सब। बहुत अच्छे रहे, देखिए ऐसा नहीं है शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, यह बात बिल्कुल पक्का है। और बहुत अच्छे भक्तों में रहे रस खान जी, सैयद इब्राहिम खान, सैयद इब्राहिम खान ये परम प्रिय भक्त है। ठीक न, कहे गुरु रामचरित मानस पढ़ोता है इनमें जो नाम देता है, कुछ नहीं जितने मुस्लिम भाई हैं सब जाकर के जो है रसखान जी के चरणों का अगर एक धूल बन जाए तो उनको जो है मुक्ति मिल जाएगी। कितना अच्छा कहते हैं
कि मानुष हो तो वही रसखान बसाओ ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। ये ने ऐसा नहीं है, दरअसल है सब लोग एक, बीच में ही पाखंडी लोग आकर के अलग अलग भगवान में ही भेद पैदा कर दिए हैं। रहीम दास है, सूरदास जी हैं, रविदास जी हैं, ये अच्छे भक्तों में हैं, लेकिन उद्धा बुद्धा विरा कबीरा मुहम्मद मुहम्मद ये सबका कोई मतलब, ये भगवान के विरोधी है, ये जान लीजिए। सब सफा सफा जानिए, जो भी नया धर्म के नाम पर रास्ता दिखाने का कोशिश किया है वह मात्र श्री राम जी श्री शिव जी का विरोधी है और कुछ नहीं है, ठीक ना। कुल यार पहुंचावत है, व्हाट्सएप पे कुल पहुंचा दे जने सबके, एक नंबर बा 8895659254, ये नंबर याद बा जने, एक पर कुल रामायण डाल दे है, एक पर कुल रामायण डाल दे है, समझो। एक के कोई चरण का धूल बने के ताकत हो तो फिर बात करो, नहीं तो बने के कोशिश करो। ये ने अहंकार लेके कुल ही में जियो तो है। चाहे कि प्रेम हो तो पवित्र हो, नहीं तो कोई के जो हो चाहे के बहाने पालकी चच्चा कहे के जरूरत। ये ना भाई समझ गई लेकिन नहीं, ज्यादा है कि बढ़ावा की जरूरत। हाँ ऐसे ही यार, सब झूठे कैसे ही आके मुस्कुरा के रवि गुरु के यार, ठीक। अब बता रहे हैं, देखिए वाणी है भरत जी की कि भूपति मरण पे मैं पनु राखी जननी कुमति जगतु सब साखी, अब देखी न जाही बिकल महतारी जरही दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज श्री पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। नहीं, राजा दशरथ जी प्रभु के ही वियोग में प्राण छोड़े हैं, और जो कैकेयी जी का कर्म है उसका सारा संसार साक्षी। यानी माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती, नहीं, और अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। दुसह माने असहनीय, यानी मही सकल यन रथ कर मूला सो सुनी समुझी सही सब सूला। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा। यानी अब जिकरे कारण होता तो उकरे अंदर तो कुछ कुछ चलवे करी नहीं। तो सुनी बन गवनु अकीन रघुनाथ करी मुनि वेश लखन सिय साथ, बिनु पन ही ने पया दे ही पाए शंकरु साखी रहे उए ही घाए।
श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना चरण पादुका पहने पांव प्यादे, प्यादे माने पैदल होला, प्यादे माने पैदल, पैदल ही बन चले गए। यह सुनकर साक्षी है, शंकर जी साक्षी है, यह सुनकर सफा सफा बता रहे, इस घाव से भी जीता रह गया, माने यह सुनते मेरे प्राण पखेरू नहीं निकले, है ने? इतना कष्ट हो के चाही, है ने? और जब कोनो ना समझ पाइए ने तो कहिए जैसन करेबन वैसन फल पावता है। जेकरे अंदर भाव रही वो इतना गहराई से समझ, और जेकरे अंदर भाव न रही वह समझ के जाए दे, ये ने? तो बहुरी निहारी निषाद स्नेहु अकुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। फिर निषाद राज जी का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। हिंगराज भाई इतना प्रेम करते हैं, नहीं जो प्रेम देखे जिस प्रकार से, ठीक ने? कहे कि देखा जब श्री राम जी के इतना जैसे कोनो परिचय नहीं रहा, वो इतना प्रेम करा था, और हम भाई होकर के ये कुछ सुना था, देखो ताई तमार हृदय नहीं फट गल, ये ने? देखो भाव, देखो ये जे भाव रही वह समझ पाई भाई, है ने? आज देखो था ने अंदर अंदर कुल पता करो था कि अभी वही बहन के आगे बढ़े कहा भाव वा? ये ने रवि गुरु कुछ गलत नहीं सोचे, उन छाल लेन जब देखे नहीं है वो प्रेम नहीं बात, तो प्रकाश के जगह देन की है, देख ले कलयुग कितना खींच ले गलबा लोगन के दिमाग, पवित्र भाव कहीं नहीं बा। तो अब सब आखी ने देखे आई जियत जीव जड़े सबई सहाई। अब यहां आकर सब आंखों से देख लिया, यने यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, ये जो जीव है तब भी जिंदा रखा है, सब सहना ही पड़ेगा ने? तो जिन्हें ही निरखी मगे सापिनी बीछी अत जही विषम विषु तामस तीछी। देखिए भरत जी कैसे है, भरत जी और श्री राम जी कोई भेद तो है नहीं, है एक ही चरित्र दिखा रहे है, लेकिन वो भी दिखावटी नहीं है, दिखावटी नहीं है। आप समझ ले श्री राम जी ऐसे है कि जिनको देखकर रास्ते की सापिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तेज क्रोध को त्याग देती। सापिनी और बिच्छू का यह हाल है कि प्रभु अगर आ रहे हैं सामने से तो अपना क्रोध और विष दोनों त्याग देती, ठीक ने? देखो अते रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि तासु तनयत
जी दुसह दुख दे उसहा वही काई। अते रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाही। तासु तनय तजी दुसह दुख दे उसहा वही काही। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी जिसको शत्रु जान पड़े, जिनको आते देखकर सापनी और बिच्छू अपना क्रोध और विष त्याग देते हैं, वही श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावे। यानी समझो, बहुत बढ़िया प्रसंग बा भरत जी के। यही से शरीर जौने भी आश्रम में हो, वो आश्रम में अगर उसे लगाव रखे बाय तो ओके भी पवित्र हो के। अगर पवित्र नहीं बात देखो, वही से देखो कहता ने तो वो पवित्र कैसे रही। जब एक एक जने जे जे आवता अपने घरे में इतना पवित्री रखबे तब न देख देख के सब हुई। क्या कि उन्हें सब तो मौका नहीं बा, ये ने नियम नहीं बा। पति सेवा करा, पति के आज्ञा का पालन करा, ये जो पावता ले जाके दे, ये ने एकदम विकल हो गया है भरत जी। वही में भाव चला गल, इससे थोड़ा त्रुटि हो गल तो फिर से पढ़ेगी पड़ा जाने। कहे को वही अवस्था में पड़ा बने चीत ठीक ने। अगर तू सही है तो परिवार के एक एक सदस्य के सही हो के चाहिए, अगर वो सही नहीं होता तो वहां से हट जा। ये नियम बा, ये नियम बा। देखो ये आदर्श व्यवस्था बा जाने, आदर्श आदर्श हुई उमे तनको विकार के जगह। तो सुनियति विकल भरत बरबानी आरती प्रीति बिनय नय सानी। शोक मगन सबे सभा खभारू मनहु कमल बने परे उतुसारू। ये सब जो बाणी है देखो समझो, ये दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई है ठीक ने। और जो संसार में बाणी आवला वो लोभ कपट और ममता में सनल होला, एकर पहचान ये बाणी जानत रहबे तब्बे समझ में आई कि कहाँ से आवता। तो जब इनमें सना हुआ बाड़ी रहे तो ऊपर ध्यान देवे की जरूरत ने। तो अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ बाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए और सारी सभा में विषाद छा गया। याने भाई क्या करबे, तो यहू में से खींचे कि हर्ष विषाद से अब कोनो लेना देना। क्या है कि ये सब जब
बुद्धि के छाले ले न तो बड़ा तगड़ा खींच के ले जा ले, नहीं क्या करबे। योग वियोग अभोग भल मंदा हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जानबूझ के बीच बीच में ये सब उदाहरण, मिलना और बिछुड़ना, योग माने मिलना, वियोग माने भोग, अच्छे बुरे वस्तुओं का जो भोग है, भला और बुरा, नीच और ऊंच, साधु असाधु, राग द्वेष, ये जितना दो दो चीजें हैं ये सब मध्यम है, हित अनहित ये सब क्या है, उत्तम नहीं है, और ये जो मध्यम है वो भ्रम के फंदे हैं, वो क्या है। योग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। तो भ्रम के फंदा में जब तक रहब तब तक न नहीं चपा रही ते सब के बारे नहीं, और बारे बात चरित्र में दिखा के यह ने ठीक ने, तब मध्यम में रहबे कि उत्तम में निकलबे। जब बतिया सब चरित्र देख के समझ में आ जाए तो आदमी फिर अपन निकली ने कब तक गोल गोल घूमबे वही में। अब शंकर जी के जो ना पिंडी पकड़ के लटक जा तो बन जाए को नहीं गोल है बनावट बनावट ठीक ने। मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया, ठीक ने, कमल के बन पर। हाँ भरत जी के बाड़ी सुने सब तो बिल्कुल एकदम शोक में देखा, जब ऐसे ही शोक आवला तो वह गुरु है जो उबारा ले, गुरु के अलावा क्या उबारी, जब शोक शोके में बात है तो गुरु अगर शोक में रहे तो बात ठीक रही। तो समझ ले गुरु के पास शोक शंका मोह भ्रम कुछ न होवे के तो इच्छा से बधा लगी तो रही कि नहीं, कोनो चीज का इच्छा रहा वो मिला तो शोक हुई कि ना हुई। तो शिव जी के कृपा से भवा शोक मोह संदेह भ्रम ही अब मन में अब नहीं पाजा दे। तो ये रखे मत ठीक ना, निकले कल्याण तो कही अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी अनेक प्रकार की ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किए। ने देखा है जब कुल बाणी आवता तो धीरे धीरे मन अब, और अगर वह पूरा विश्वास स्थिर कर ले बड़ा तेजी से बढ़ जाए जाने, और बढ़ते बा एक स्पीड से हवाई जहाज भी नहीं जा सको, हवाई जहाज को जाए नहीं। तो बोले उचित बचन रघुनंदु दिन कर कुल कैरव बन चंदु। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा
श्री राम जी उचित बाणी बोले, उचित बाणी बोले। देखिए क्या उचित बाणी बोल रहे हैं। समझो बड़ा प्रेम से कि तात जाए जिय करहूं गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। देखिए समझिएगा श्री राम जी की बाणी भरत जी के लिए क्या कर रहे हैं, जिनके चरणों की धूल की बात हो रही है। ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हे भाई, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो, ठीक ने, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। ब्रह्मा जी के कहे कि जेकर जैसा बुद्धि काम करता वह करता, जीव की गति तो सही बने, जेकर बुद्धि जहर भगता वह रन जाता है। यहाँ पर चूंकि संकल्प विकल्प के भी बाहर चला गया यह शरीर चित, आप ही का चित है दूसरे का, तनको मत समझे कि कौन अलग से कौन रवि गुरु है गणेश जी। तो शरीर से जो भी जुड़ा है, ठीक ना, वह अपने चित्त में कभी भी ग्लानी ना करे। जैसे लोगों को दुख होता है कि हम ऐसे ना करो हुई तो ऐसे ना करते नहीं, तो यह चिंता अब करने की आवश्यकता नहीं है। आधार यह है कि जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है, ठीक ना, यानी ब्रह्मा जी के अधीन होती है। ब्रह्मा जी यानी बुद्धि, बुद्धि जो उन कहता वह कहता है, यह ना। श्री राम जी कह रहे हैं ये बात, ये कोई बनावटी बात नहीं है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, ठीक ना। श्री राम जी कहते हैं कि मेरे मत में, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष, माने 14 भुवनों के सभी पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। भरत, ये श्री राम जी का मत है भरत जी के लिए, ठीक ना। तो पुण्यात्मा पुरुष का अगर चरण का धूल बन गई तब से समझ में बात बैठा था कि नहीं, तीनों लोकों में माने तुम्हारे जैसा न तो कभी हुआ, न तो है, न तो होने वाला, तो उतना नहीं तो कम से कम उनके चरण का धूल बन जाओ उतना, ये ना, ठीक ना। कितनी बड़ी बात श्री राम जी कह रहे हैं। और निश्चित है कि शरीर से जो लोग जुड़े हुए रहे हैं वे भी पूरे आत्मा पुरुष ही होंगे, क्योंकि यह शरीर किसी पापात्मा से कभी नहीं जुड़ सकता। देखो समझना चाहिए लोगों को, विचार करना, लेकिन हर कोई एक दूसरे को खाली दोषे देने में गुथा हुआ है।
एहन तपस्या करे, कुछो करे, जंगल में रह, चाहे बर्फ पे चल जाए, चाहे शरीर छोड़ दे, कोई से मतलब, एक एक बात सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ये ने बस यहाँ सब धन पहिए तो खुश और धन न पहिए तो दुखी और मर जाइबे तो रोई है, बस इतना में बने। लाभ बात सुख, लाभ नहीं बात दुख और मर जाइबे तो रोई है, तीन कलाम और रुकाबा ड्रामा करे बहन पर द्वार से। और देखिए धर्म नहीं बहन और ममता खूब देखी है, ये ने ठीक। तो उरे आनत तुम्हें पर कुटी लाई, अजाई लोकु पर लोकु नसाई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से, समझे, यह लोक माने यहाँ का सुख और यश जो संसार में है बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता, यानी मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर को अच्छी गति। अब राम खिलौन भाई देखो व्यवस्था ये बा, रवि शंकर के ऊपर अगर कोई कुटिलता का अगर विचार करता तो ओके कभी सुख और अच्छी गति के प्राप्ति नहीं हो सकता, ये ने। अब आज अपने मर्यादा में बान मोरे के शरीर में बान ऐसे कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन जेकर अनुभव हो ओके तो अपन आवाजही ने ठीक ने। तो अक्सर शरीर छूट जाए के बाद सब समझला, पता करिए मोरे की रानी है भाई, एहन मरे वाला भाई ठीक। देखा ये सब भाव जो देखा था बहुत आ, अभी जब तक धरती रही ये कभी खत्म हो वाला, ये ना गणेश जी। तो दोसु देही जन नी जड़ तेई, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं सेई। और माता कैकेयी को तो मूर्ख लोग दोष देते हैं, माता कैकेयी का दोष नहीं है, ठीक ने, एक समझो। जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है, जो साधु के सभा का सेवन कर लेगा वो माता कैकेयी का दोष कभी, ठीक ने। और आज देखा सब कॉलेज साधु है उनके यहाँ से लोग आवल हैं तब वो माता कैकेयी का दोष देते बहन, तो निश्चित बात कि वो साधु नहीं। आप लोग अब दोष देवे भाई, जब सरस्वती जी के जब पक्का पक्का वल को नहीं कुल करनी बा तो फिर कहाँ जीव का दोष बा है। चलो ठीक ठीक, तो ज्यादा समझदार भाई है, अब रुक जा, अब वो रुक जा ठीक ने, देखे समझो ठीक है, घबराया मत। जाने से न हुई ओके धारण करे से हुई, ठीक नहीं। एक है नियम बा, अक्सर लोग जनावर का प्रयास करो ले, जैसे वो गाल हल मोचो, ठीक नहीं। ये निश्चित बा कि अगर आप ज्ञानी होते तो मुक्त होते, अगर तर्क कुतर्क करता है तो एक अर्थ बा कि पूर्णावती, यह नहीं।
काहे कि अगर भगवान के सेवक बाय जैसे हिंगराज भाई बाय देखे आवत है तो अपन बातचीत करत है प्रेम से समझत है लेकिन यहाँ झगड़ा तो नहीं करत है ने नीचा दिखाओ बोले तो यहाँ कोई नहीं आवता सुन करके तो दिमाग में सभी के बैठा बा लेकिन कोई अपने लड़की का कई कई नाम रखो तो बताओ ठीक ना एक मतलब कंफर्मेशन नहीं बा के थोड़ो बाकी चौपाई नहीं पढ़ोता है लेकिन ठीक ना जो है कंफर्म हाँ कंफर्म होगा ये प्रभु राम जी की बारी है तो जो साधु के सेवा का साधु का संग यानी सत्संग का जो सेवन किया रहेगा वो माता कैकेयी को कभी दोष नहीं खाली राम नाम का मंत्र चाहिए ध्यान दे मिटी हही पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार अलोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार ए प्रभु श्री राम जी की बारी है ना कहते हे भाई भरत तुम्हारा नाम स्मरण करके सब करके क्या तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मीट जाए है? तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा ले? सुमिरन करक हो तो भाई भरत का नाम सुमिरन करत जा उनका चरित्र एक एक जाना और उनसे विनती करा कि प्रभु एक चरित्र हमारे अंदर जाने रो दे एकदम ठीक ने दिक्कत नहीं बने क्या करवे भरत जी का महिमा अपार समुद्र हो जब वशिष्ठ जी का बुद्धि अबला नारी की तरह आके खड़ी हो जाता है तो फिर सब जीव का कौन गिनती बा भाव दबे देखिए और प्रभु श्री राम जी क्या कह रहे हैं जब बार बार कहते हैं कि भाई देखो शंकर जी के कुल श्वास बा तेकर आधार समझा करो ये ने कि जौन बाणी आवता उस राम जी के प्रेरणा से शिव जी से होते हुए रविशंकर के शरीर के माध्यम से बहरे श्री राम जी खुद कह रहे हैं ये बात कि कहऊ सुभाऊ सत्य शिव साखी अभरत भूमि रह राउरी राखी हे भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं शिव जी साक्षी है शिव जी साक्षी है यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही समझ ले देखो अब आप लोग समझे बात की बड़ा बारीक बात अब देखो रसातल में पहुंच गया बा लेकिन अब यही यही से रक्षा हो ही रहे अब आपके समझ में तो आप उठे चबे तब ने तो भरत जी के ही राखे या पृथ्वी इतना बड़ा प्रेम है और शिव जी साक्षी है इस बात का ऐसा कुछ अलग से इसीलिए कहते हैं आप लोग भी अब रसातल से निकलिए ना ये पाने में कहीं कुछ सुख शांति नहीं तलातल से ऊपर उठा था
की चिपकाए बातलातल। अब ताते कुतरक करहु जनी जाए, हिंगराज भाई ताते कुतरक करहु जनी जाए, प्रेम बैर प्रेम नहीं दुराई दुराए। हे भाई तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, जन कुछ जानत लग कुछ भूल जा, कोनो तर्क करे की जरूरत, ये प्रभु राम जी की बाड़ी है। कि भाई तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते, ठीक ने? ये ने कोई छुपा ले न छुपी, तो मुनिगन निकट बिहग मृग जाही, अबाधक बाधिक भी लोकी पराही। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, नहीं पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते, नहीं? नहीं, अगर ये दूर जाता तो पशु से भी बहुत नीचे बन है, यहाँ जो नहीं होता तो पशु के नीचे नहीं बा, यानि पशु पक्षी तक तो भेदभाव आ जाता है। देख ले, यही से मनई का शरीर देख के भ्रमित मत हो जाए भाई। ये संसार में जो लोग भी शरीर से जुड़े हैं, ठीक ने? हाँ। वो व्यर्थ का कोई तर्क करे न, देखें एक चरित्र तो धारण करे करे कि पड़ला ना, एक है निष्काम भाव में लोग साधत हैं तो वह में कितना खींचा तानी होता। मनई का शरीर होने तो हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुने ज्ञान निधाना। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है, यानी क्या हो भंडार, सदगुण हो और ज्ञान इतना है कि मात्र श्री राम जी सत्य हैं, कुछ सत्य और शिव राम जी में कोई भेद नहीं है, यह ज्ञान बा यह गुण बा, बाकी के छोड़ दे कचरा, सरल नहीं बाबा है। तो यह श्री राम जी कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर गुण और ज्ञान का भंडार ही है, ठीक ने? और सब चिल्ला लेन की माया नगरी हो, माया नगरी, माया नगरी का पवित्र सेवा दे, निष्काम भजन करो, कहाँ दिक्कत बा? राम सिंह भाई नींद आवता गा? तो ताते तुम्हें मैं जानूं नी के करो का है ऐसे मंजस जी के, राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, अतनु परिहरे उपेम पन लागी। देखिए श्री राम जी की बाड़ी है, यही समझिए क्योंकि आपको इसी भाव में आना है। कहते हे भाई मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं, हृदय में बड़ा असमंजस
यानी दुविधा है। राजा यानी श्री पिताजी मुझे त्याग कर सत्य को रखे, नहीं ये कुछ जो हम त्याग आप लोगों के समझ में आता उस सत्य बदे ने कि बढ़िया जो हो कि बर्फ पर ठंडी खा के आनंद ले बदे कि लू में बैठ के आनंद ले बदे कि पानी में भीग के आनंद करे बदे सत्य बदे ने। और प्रेम प्रण के लिए शरीर भी छोड़ नहीं, देखो कितना सही सही बाणी बा ये ने, सत्य व्रत रखने के लिए मेरा त्याग किए और प्रेम के प्रण को निभाने के लिए शरीर त्याग दिए। अतासु बचन में तत मन सोचू करो कहा, तासु बचन में तत मन सोचू तहिते अधिक तुम्हार संकोचू। अब बताइए जिस सत्य के लिए मेरा त्याग किए, प्रेम को निभाने के लिए शरीर छोड़ दिए है ने, तो उनके वचन को मेटते मन में सोच होता ये ने, मौका मिल गया प्रकाश जी के जीव के वो अपन परम धाम पधार गए, तब कहा जो हो अब सबके सम्मान के ही अवस्था में बचा सकल ने ये ने। तो सोच ना हुई सबका मर्यादा भंग करके चल बे ब्याह करे ने, तब वो कुल कोशिश करें जने ये अवस्था में भी कोशिश करे बहन, ये से ही गणेश जी मत समझे कि इन्होंने कोशिश ना करी है, खूब अजमा ली है चारों तरफ से, अब बाद में कहीं लड़का बिगाड़ दे पंडित नहीं और कहिए, लेकिन सबका परिणाम उत्तम हुई बिगाड़े क्या बा, रसातल के ऊपर उठ करके पहुंचता है सत्यलोक में ये ने। तो तापर गुरु मोही, अच्छा तापर गुरु मोही आय सुदीना अवशिष अवशिष जो कहू चहाऊ सोई कीन्हा। देखो गहराई से पकड़ो वहां से कह रहे हैं कि हे भाई मैं तुम्हारे तुम्हें अच्छी तरह जानता क्या करूं, हृदय में बड़ा असमंजस है यानी दुविधा, राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखे और प्रेम प्रण के लिए शरीर भी छोड़, उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है और उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उससे भी बढ़कर उस पर भी गुरु जी मुझे आज्ञा दे दिए हैं है ने। अब देखो राज मत लोक मत साधु मत वेद मत, अब कुल मत का निचोड़वा ने, इसलिए तुम जो कहो मैं वही अवश्य करना चाहूं, ठीक ने। तब एन देखे जब ये पूरा जब रूप रेखा जब समझे लगा बुद्धि पवित्र अवस्था में जाने तो समझ गए निहात कोई के बुद्धि पवित्र बा नहीं, तब शंकर जी के पकड़े ले चौ चौ ले शिव जी अब जौन कहबे वह अब कोई के मौका
यह ना अब सो शिव जी के अगर शिव जी कहिए कि नहीं राम खिलौन भाई के कुल सौंप दे ना, तो यहाँ से यो बोली निकल जाए कि राम खिलौन भाई कह दे कि नहीं गुरु अब तू इतना दिखा ले ले, अब जा अपने घोड़े हम मिल के रहो। जब उसी जब शिव जी कहिए तो यो दे दी है, वो तो शिव जी के ऊपर आश्रित बा। शिव जी के आज्ञा के बिना इच्छा अनिच्छा शुभ इच्छा अशुभ इच्छा पर इच्छा दूसरे के इच्छा का बा, ये सब इच्छा से कुछ हुआ वाला। अब शिव जी के जौन प्रेरणा हुई वह कार्य ठीक ना, कहीं दिक्कत तो कर सीधे कि अब कहो जो कहो मैं उसे अवश्य करना चाहता। ये ने जो शिव जी कहिए वो अवश्य हो। अब ये ने और इतना नहीं, और देखिए श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि मनु प्रसन्न करी सकुचे तजी कहूं करो सोई आजू सत्य संध रघुबर बचन असुनि भा सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। श्री राम जी कह रहे हैं भरत जी से, लेकिन कैसे? मन को प्रसन्न करके और संकोच को त्याग कर, ठीक ने? तुम जो कुछ कहो आज मैं वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की यह बाणी सुनकर सारा समाज सुखी हो। भरत जी आल है ले जाए बदे। अब भरत जी कह दिए कि ठीक बा तू कहता है कि जो कहवे वह करो, तो कहता ही ले राशि कर दे चला अयोध्या। जनता के समझ में तो सुनता है नहीं सब जने। जेकरे ऊपर मिला ला अधिकार जाने है जाना ला का कहे चाहिए का एक साधारण लोग। ये ने राम खिलौन भाई के आधार अगर दिया जाए शंकर जी के कृपा से तो समझिए का उचित बा का उचित। ये ने तो सारा समाज सुखी हो गया। ये ने देखा धूल के कण एक बना के तैयारी करत है कि नहीं? प्रभु नहीं कृपा बात अब ओके धारण करे के आपे के बने। अब रोज इनसे कही ला भाजने कि देखे भा आया तो तनको जनो समाज के एको बात मत उठाए, लेकिन कहिए गुरु 35 साल पहले हूँ। अब जहाँ बात कहे नहीं एन उकसइबो कर लेना अपने से नहीं कहते एन जानबूझ के ना टेस्ट करे बदे उकसई है तो शुरू हो जाइए तो एन उकसावा लेने से की टेस्ट करे बदे तो समझा लेन के वही जो ना पका आपो लोग कुछ पका वाला तो टेस्ट नहीं करते। मेरा भी लोग भात पकड़िए पकइए ना देखे बिया मतलब चाउर लेके तो यह कि पगल की तो एक समझे रहा। और जहाँ इन एयर वार के बात करें तो कहते बैठा हम चले ऐसे ही बा बस इतना। देखा हर चीज के समझत हैं जानत हैं कि बुद्धि के कैसे कैसे सही करवे ऑपरेशन करत हैं भवा मन के सबका नहीं कैंसर निकालत हैं वो सब कैंसर हो बा है। तो सुरगन सहित सभय सुर राजू
असोच ही चाहते हो नया काजू। अब देखो, अब जब यहाँ तक होल कि राम जी कौ देन, तब देवता लोग ने कल बुलाए किले हले और देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि भरत चले बस कहे कि लोग यहाँ तक ना समझ पाई है न। अभी स्थिति का भाई देवता राक्षस जौन भी बा जौन इस सृष्टि के चले बदे बनावा है तेन समय तो बनत बिगड़त रही है और वो तो अनादि तत्व है उनका नाश होने वाला। तो यहाँ सब तो जिये चाहला कोई मरे चाहला तो देवता लोग भी देखो। अब इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता ने तो बनत उपाऊ करत कछु नाही राम शरण सब गे मन माही। कुछ उपाय करते नहीं बनता है तो सब देवता मन ही मन श्री राम जी के शरण में आ जाते ये ने। बिना भगवान के शरण में आए कुछ हुआ वाला नहीं बा। जो ने देवी देवता का पूजा कर रहे नमू सभी भगवान के शरण में तो बहुरी बिचारी परस पर कही रघुपति भगत भगति बस यही अशुधि करी अम्बरी से दुर्भाषा भेसुर सुर पति निपट निराशा। प्रभु श्री राम जी के शरण में आ जाने पर फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे देवता लोग कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस में याने भक्त के भक्ति के बस में है श्री राम जी। अम्बरीश और दुर्भाषा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। यही से भवा भक्ति के स्थिर करे बदे आप लोगन के जो नो कहा ओके थोड़ा विचलित करे के जरूरत समझो क्या कि कुल लोभ है कपड़ से तो भरा बा इनमें विचार करके क्या करवे। तो सहे सुरन है बहु काल विषादा अनर हरि किए प्रगट प्रहलाद लगी लगी कान कहीं धुनी माथा अब सुर काज भरत के हाथा। ने पहले अब समझ गए जब देवता लोग की कुल काम भरत जी के हाथे में बा कहे कि भगवान भक्तन के बस में है ने। यही से भगवान के भक्तन के कभी दुख देवा के बारे में सोचे के तो पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे तब भक्त प्रहलाद ही नृसिंह भगवान को प्रकट किए। नहीं भक्तिया से और प्रकट होते हैं और सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। ने तब जो सारी व्यवस्था बा खाली रविशंकर के हाथ में तो कुल बा देखो नहीं ऐसा ही होला जाने समय समय पर कोई प्रकट हुई
और संतुलन तो ही कहे कि असंतुलन में आखिर कब तक चली। तो न उपाऊ न देखिए देवा मानत राम सु सेवक सेवा। देखो कितना बढ़िया व्यवस्था बा। हे देवताओं और कोई उपाय दिखाई नहीं देता, श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते। श्री राम जी के जो श्रेष्ठ सेवक हैं उनकी सेवा को ही श्री राम जी मानते, माया के सेवा का नहीं। ठीक ना, वो तो साधन है खाली, लेकिन असली सेवा है उनके जो सेवकों की सेवा करते हैं उस सेवा को श्री राम जी मानते। अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते, माया का सेवा करवा तो कुछ नहीं। वो तो खाली साधन हो, ओकर पाप पुण्य के भोग का आप है, उसे उनका लेना देना। असली सेवा है उनके भक्तों की सेवा। ठीक ने, जो सच्चे सेवक है, और सच्चे सेवक का अर्थ है कि जो प्रभु का जो है भाव है उसी भाव में होना। और प्रभु जब हमेशा पाखंड को देखकर लाल रहते हैं तो सेवक है, तो आपका भी नेत्र लाल होना ने? ये ने? मीठ मीठ बोल के खाली पैसा ठगे के कहा जगह बा। तो ही ये सपे मैं सुमी रहूं सब भरत ही, अनिज गुण शील राम बस करत ही। इसलिए अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। इंद्र जी कह रहे हैं देवताओं से है कि अब भरत जी के ही स्मरण से ही सब काम। ये निश्चित बात। तो सुनी सुर मत सुर गुरु कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। अब जो है देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी कहे कि आज तुम लोगों ने अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य है क्योंकि भरत जी के चरणों में परम पवित्र प्रेम, श्री भरत जी के चरणों में परम पवित्र यानी दृढ़ अनुराग समस्त शुभ मंगलों का जड़ है मूल। यही ने? तो श्री भरत जी के चरणों में दृढ़ अनुराग करना है, आप लोग अब शुरू कर दे, अवश्य आगे बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। ठीक ना? इसीलिए समझ जाइए सीधे कि जो अपने आत्मा का सेवक नहीं हो सकता वह सच्चा पुत्र भाई पति पिता कुछ नहीं बन सकता ना। तो यह बाणी गुरु बृहस्पति जी की है कि भरत जी के चरणों का प्रेम यानी उनके चरणों में दृढ़ अनुराग जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल।
तो इसी वाणी के साथ बोलिए भाई भरत की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।